10 दिसंबर नूं दुनिया भर के वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता। असी पंजाब दे विच इस दिन जो पंजाब दे विच लोकां दा मनुखी अधिकारां दा हनन होया और जिहड़ा अज भी जारी है, रुक रुक के कई बार ऐसियां घटनावां वापरदियां ने जदों मनुखी अधिकारां दा हनन किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उन्हां नूं ब्लैक लॉज बनाए जाते हैं और पुलिस फायरिंग च लोगों को मारिया जाता है, फिर जिहड़े पुलिस ऑफिसर दोषी होंदे ने उन्हां नूं सजावां नहीं दित्तियां जांदियां, उन्हां ते केस नहीं चलते। सो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जिहड़ी इंडियन स्टेट वल्लों लगातार जारी है, असीं उहदे खिलाफ़ प्रोटेस्ट करन जा रहे हां 10 दिसंबर नूं गुरदासपुर विखे। पिछले कुछ महीनों तो पंजाब के अंदर राजनीतिक कतलों के नाँ हेठ एक दोबारा एक ऐसा मतलब माहौल बनिया सीगा जिसनूं लैके कि हाल की घड़ी कुछ गिरफ़्तारियां भी होईयां ने। असीं समझदे हां कि जदों सरकार ये गल मनदी है कि राजनीतिक कतल ने तो उन्हों ये भी मनना चाहिए कि ये राजनीतिक कारण ने, तो जे राजनीतिक कारण है जिदे नाल बार बार पंजाब के लोगों पंजाब नूं ये चीज़ का सामना करना पैंदा है, तो फिर सानूं चाहिए कि सरकारां नूं इस गल लई प्रेशराइज किया जाए कि सरकार इन्हां मसलियां का राजनीतिक हल भी लभे। किन्ने लभने ने हल? पिछले 30 साल तो पंजाब की समस्या नूं लमकाया जा रहा है, पंजाब दे विच मतलब जो हालात बने ने उसका उसनों मतलब समस्यावां दा हल लभण दी थां ते होर सख्त कानून बनाए जांदे ने, आवाज़ दबाई जांदी है, लोकां नूं जेलां दे विच सुट्टिया जांदा है, लोकां नूं टारगेट किया जांदा है और देखो उन्हां नूं एक मतलब एक नाँ दे दिता जांदा है कि इन्हां नूं अतवादी कह दिओ, रेडिकल्स कह दिओ, ताकि इन्हां दी जिहड़ी आवाज़ है वह दबी जाए और लोग इन्हां दी गल मतलब अनगौलियां करन। असीं समझदे हां कि पंजाब दा जिहड़ा मुख्यमंत्री है वह अपनी पिठ थपाउण दी थां ते केंद्र दे नाल इस मसले ते गल करे कि बार बार ये हालात क्यों बनते हैं, क्यों लोगों नूं अपनियां जानां गवाणियां पैंदियां ने, जिहड़े लोग फड़े जांदे ने उन्हां नूं वी भर उमर जेल दे विच रहना पैंदा। दोनों सूरतों दे विच पंजाब दे लोगों का नुकसान हो रहा, बड़ा दुखदाई है, ये चीज़ का अंत होना चाहिए है, ये जिहड़ा दौर है इस चीज़ का अंत तां ही होएगा जेकर पंजाब समस्या का कोई सन्मानयोग हल निकलेगा। भाई जी तुसी एक व्यक्ति का ना क्यों लेंदे हो, सारे मामलों से ये हो रहा, जेडे फड़े गए ने बाकी भी बंदे ने जेडे नाल फड़े गए ने, सो सारियां दे नाल जेडे सारे दे सारे जेडे बंदे फड़े गए ने उन्हां दी कोई निजी वैर तो नहीं सी ना, जिन्हां केसां दे विचों फड़े गए ने वह राजनीतिक कतल तुसी मनदे हो, सरकार मनदी है ना, तो फिर जे तुसी मनदे हो राजनीतिक कतल ने और उन्हां सारियां नूं तुसी गिरफ़्तार करके उन्हां दे हक हकूक खो रहे हो जां उन्हां नूं तशद्दद कर रहे हो जां उन्हां नूं इस गल लई मनवाउण दी कोशिश कर रहे हो, तो असीं समझदे हां कि इहदा हल क्यों नहीं कीता जांदा। कश्मीर दे विच मूवमेंट जिथे पहुँच गई है, मैं समझदा कि उत्थे दे जिहड़े रिटायर्ड आर्मी जनरल्स ने पुलिस दे आला अफसर ने वह भी हुण सरकार नूं कहण लग पए ने कि ये एक पोलिटिकल प्रॉब्लम है, इहदा सल्यूशन पोलिटिकली लभना चाहिए। मैं समझदा कि पंजाब दे विच भी जिहड़े राजनीतिक लोग ने, जिहड़े दानिशवर लोग ने, जिहड़े रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने या जिहड़े सिक्योरिटी एस्टैबलिशमेंट दे नाल जुड़े अफसर ने, उन्हां नूं बड़ी ही दयानतदारी दे नाल केंद्र नूं ये गल कहनी चाहिए है कि पिछले 30 साल तो पंजाब की समस्या सुलग रही है, इस दा हल कीता जावे ताकि पंजाब के लोग अमन शांति दे नाल सदा लई रह सकन। देखो पूरे दे पूरी जिहड़ी एक चाहे विदेश है चाहे पंजाब है जिहड़े भी कॉज दे नाल जुड़े ने उन्हां नूं टैरोराइज़ करन दा एक तरीका कर ते ये हुंदा ही है ना कि तुसी इशू नूं इन्ना इस तरीके दे नाल पेश करो कि जिहड़ा बंदा इस कॉज दे नाल जुड़िया जां सिंपथी रखदा वह डर जावे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने कल अपना प्रधान सरदार गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं थापिया, इस गल लई असी स्वीकार करते हैं कि यह हक प्रधान बनाउण दा श्रोमणी कमेटी के मैंबरां नूं हुंदा, यह उन्हां दा प्रैरोगेटिव है, पर असी समझते हैं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई एक कल्ली पार्टी नहीं है, दल खालसा वांगू, अकाली दल बादल वांगू, अकाली दल अमृतसर वांगू या कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जिहदे कोल केवल उहदे मैंबरां कोल ही उहदा हक है प्रधान चुनण दा। एक कौम की संस्था है और कौम की जदों एक संस्था जिहड़ी इस वेले अपना चमक अपना रुतबा हौली हौली गुआ रही है, जिसकी चमक खुर रही है, उस दी उसनू होर निगार वल लैके जाना, ये बादल फैमिली दे ने जिहड़े पिछले लंबे समय तो ये जिहड़ी एक पिरत पाई हुई है जां जिहड़ा राह फड़िया होया, असीं समझदे हां ये कौम दे लई बहुत ही डैमेजिंग है, क्योंकि जिस व्यक्ति नूं चुनिया गया वो
हाल की घड़ी एक ऐसी एंटी गुरमत डेरे को वोटा मंगन गया है जेड़ा पूरी तरीके दे नाल एक्सपोज हो चुका सी, जिदे खिलाफ़ पूरी कौम रो प्रगटा चुकी सी, जिदे नाल लड़दियां साडे सिंह शहीद हो चुके सी, जिथे अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा उस डेरे के खिलाफ है। ये बावजूद सब कुछ जानने के बावजूद ये व्यक्ति उहदे कोल गए जिन्हां दे विच श्रोमणी कमेटी का नवा प्रधान भी है। असीं समझते हैं कि ये बंदे की जिहड़ी अंदर की चेतनता हैगी साफ नहीं है, वो मतलब वो क्वेश्चनेबल है, सवालिए चिन्ह वो। सो ऐसे व्यक्ति को बेशक उन्हें तनखा भी लवा ली है और तनखा भी किन्ना को लड़वाई है, जिन्हां ने माफ़ किया उस डेरे को उन्होंने को ही तनखा लवा ली। तो जदों दोनों ही आपस में रले हुए ने, दोनों ने ही सिद्धांत तोड़िया है, दोनों ने ही मतलब मर्यादा का घान किया हो, तो इस तरह की तनखा की भी की अर्थ रह जाते हैं। सो असं समझते हैं कि 150 बंदों के अगर श्रोमणी अकाली दल को इस तो अलावा होर कोई बंदा नहीं है तो एक क्लीयर है कि श्रोमणी अकाली दल के लीडर की बैंकरप्सी है, एक पूरा पूरी जिहड़ा एक काल पिया होया आगुआ का। नहीं डेरा तो हुण मतलब तुसी आप ही देख रहे हो जिदा अखबारों के डेरा तो हुण डेरा रहा ही नहीं, वो तो हुण मतलब हिंदुस्तान टाइम की बड़ी वधिया हैडलाइन सी कि डेरा हुण गटर विच है। नहीं जेड़ा बंदा सब कुछ जानते हुए चले जाता है वो एक सजा मतलब एक फॉरमैलिटी से एक सज़ा भुगतता है, चलो ठीक है उन्हें सज़ा भुगत ली, कहन मान लो कि उन्हें सज़ा भुगत ली, पर प्रधान बनाना की जरूरी सी? 150 बंदियां चो होर कोई बंदा नहीं है जिन्हों प्रधान बनाया जा सकता है कि इन्ना काल पिया होया कि कोई स्वच्छ छवि का बंदा ही नहीं है अकाली दल को जिसनों अगे लाया जा सके, जड़ा पंथ नूं सिद्धांतां नूं समर्पित होवे, एक ऐसा बंदा है जड़ा मतलब जिन्हों सारा कुछ पता होने के बावजूद जड़ा डेरे के पैर चरणों के जाके डिगा वो किन्ना क पंथ लिए समर्पित होएगा और तो की आस रखांगे असीं। उन्हें ठीक ही किया ना, उन्हें ठीक ही कहा जो कहा, जिन्होंने लाया उन्हें उहदा ही धन्नवाद किया, जो उन्हों ना वो गुरु के भय में रहा ना उन्हें गुरु का धन्यवाद किया, जिन्होंने लाया उन्हें धन्यवाद करता। एक बहुत बहुत श्रोमणी कमेटी को होर निगार वाल लैके जान का एक कदम है, असी इसकी मुजम्मत करते हैं, इस कंडम करते हैं कि इन्होंने गलत फैसला लिया कर। देखो मैं पहला भी कह चुका वो एक लीगल स्टैचूट बॉडी है, मैंबरों का प्रैरोगेटिव होंदा, मैंबर ने अपना प्रधान चुन लिया, हुण तो एक साल इन्हां दे नाल लड़ना पएगा जूझना पएगा। असी उन्हां दे नाल असी उन्हां नूं कोऑपरेट किया क्योंकि सानूं लगा कि उहदे अंदर पंथ का दर्द है और उन्हें इस गल का अपना मतलब उन्होंने कहा भी कि मैं पंथ लिए कुछ करना चाहना तो असी कोऑपरेट किया। सो ये बंदा तो सानूं लगता ही नहीं कि किसी तरीके दे नाल इहदे अंदर कोई पंथ प्रति समर्पित की भावना हैगी है। सो यह तो मैं तुहानूं पहले ही कह दिंदा कि एक साल पंथक हल्कियां दे विचों इस नूं मुखालफत सहनी पैनी। बिल्कुल वधेगा जी, तुसीं देखो जिस व्यक्ति दी इमीजिएट जिहड़ा बैकग्राउंड है अगर वो एक टेंटेड है तो रोस वधेगा। जिहड़ा कल बन गया जी, जिहड़ा कल उन्होंने बना दिता, जिहड़ा उन्होंने श्रोमणी कमेटी देखो मैंबर भी नहीं बोले, हैरानगी दी गल है कि सारे मैंबरां नूं पता है उसके बावजूद मैंबर नहीं बोले और फेसबुक पर आके सारे आपो अपना पड़ास कट रहे हैं, उत्थे अंदर किसी की जरूरत ही नहीं पई कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के सच बोल जा।